नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं जीवन 24 और मैं हूं आपके साथ समृद्धि कौशिक। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज लघु उपग्रह SSLV-G2 के दूसरे संस्करण को लॉन्च कर दिया है। आंध्र प्रदेश में श्री हरिकोटा रॉकेट पोर्ट के पहले लॉन्च पैड से आज सुबह 9:18 पर इसको लॉन्च किया गया। इसरो के अनुसार ये रॉकेट 3 उपग्रह इसरो के अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-07, अमेरिका के एंटारिस की Janus-1 और चेन्नई की स्पेस किंग्स इंडिया की आज़ादी SAT-2 को 450 किलोमीटर पर पृथ्वी की गोलाकार कक्षा में स्थापित करेगा। इसकी लॉन्चिंग किस लिए है खास, आइए जानते हैं। इसरो ने SSLV को 550 किलोग्राम की पृथ्वी की निचली कक्षा तक ले जाने की क्षमता के साथ विकसित किया है। यह छोटे उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने के बाजार पर आधारित है। SSLV-G2 का कुल वजन 175.2 किलोग्राम होगा, जिसमें 150 किलोग्राम EOS और 10.2 किलोग्राम Janus-1 और 8.7 ग्राम आज़ादी SAT-2 का होगा। SSLV रॉकेट अंतरिक्ष के लिए कम लागत वाली पहुंच प्रदान करता है, जो कई उपग्रह को समायोजित करने के कम समय और लचीलापन प्रदान करता है और न्यूनतम लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर में अपना काम पूरा करता है। इसरो के अनुसार SSLV रॉकेट की लगभग 56 करोड़ रुपए हैं और यह 34 मीटर लंबा है। रॉकेट का भार 120 टन है। अपनी उड़ान के लगभग 13 मिनट में SSLV रॉकेट EOS-7 और उसके तुरंत बाद अन्य दो उपग्रह Janus को बाहर निकाल देगा। इसरो ने बताया कि 3 उपग्रह को 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़ जाएगा। आपको बता दें कि यह रॉकेट लॉन्चिंग इसलिए भी खास है क्योंकि SSLV की पहली उड़ान SSLV-D1 पिछले साल 7 अगस्त को विफल रही थी। इसरो ने जब विफलता का पता लगाने की कोशिश की तो पता चला कि दूसरे चरण की पृथक्करण के दौरान कंपन की कारण लॉन्चिंग प्रभावित हुई थी। रॉकेट का सॉफ्टवेयर उपग्रह को बाहर निकालने में सक्षम था, लेकिन इजेक्शन गलत कक्षा में किए गए थे। उपग्रहों में एक स्थिर कक्षा में होने के लिए आवश्यक वेग का भी अभाव था, जिसके चलते उपग्रह गलत दिशा में चले गए थे।